फिल्म लग रही है अजब गजब लव, और आज हमारे स्टूडियो में इसी फिल्म की टीम है, प्रोड्यूसर वाशु भगनानी, डायरेक्टर संजय गढ़वी और म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद भाई। साजिद भाई इज इन दिल्ली, सो ही कुडंट कम फॉर द इंटरव्यू। और जहां पर वाशु भगनानी की बात चली, मैं आपको बता दूं, बड़े ही दिलदार प्रोड्यूसर है। ही इज द न्यू शोमैन ऑफ द इंडस्ट्री। और दिलदार का एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, इनकी पूरी टीम कानपुर और लखनऊ गई थी फॉर द प्रमोशन ऑफ द फिल्म, और आज इस इंटरव्यू के लिए वो लखनऊ से फ्लाइट पकड़कर आने वाले थे, बट कल रात को बहुत देरी हो गई एंड इनका पूरा यूनिट ऑब्वियसली वॉज टायर्ड बिकॉज दे वर प्रमोटिंग द फिल्म। तो वाशु जी ने सोचा कि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से जाएंगे, इससे अच्छा इन्होंने किसी को नहीं बताया, ही जस्ट कैंसल दोज फ्लाइट टिकट्स, चार्टर फ्लाइट की एंड चार्टर्ड फ्लाइट से डायरेक्टली यहां स्टूडियो आए हैं। दैट इज वाशु भगनानी फॉर यू। फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम देम। वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू वाशु जी। आप पैसा पानी की तरह बहाते हैं, लोग ऐसा समझते हैं, मैं इसको होशियारी समझता हूं, क्योंकि आज अगर हम लोग थके होते तो आपके इस कैमरा के सामने इतने थके, लोग बोलते फिल्म बना के इतने थक क्यों गए। हम फिल्म रिलीज के बाद भी देखे और रिलीज के पहले भी एकदम फ्रेश हैं। दैट्स राइट, मतलब यू केयर अ लॉट फॉर योर, फॉर द वेलफेयर ऑफ योर यूनिट। 100% होना ही पड़ेगा, तो इनके अंदर एनर्जी कैसे आएगी। और कैसा रिस्पॉन्स रहा? वेरी गुड, माना एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। हम लोग जिस जिस शहर में गए, जयपुर गए, कानपुर गए, लखनऊ गए, दिल्ली गए, और पब्लिक के साथ इतना इंट्रैक्शन किया, माना हम वाजिद भाई, संजय जी, जैकी, इन्होंने इतना डांस किया, गाना किया। द बेस्ट पार्ट ऑफ द टूर वॉज कि हमने स्टार्ट नहीं किया और पब्लिक वॉज देयर। दैट मीन्स यू लोग दे वर अवेयर अबाउट द होल थिंग। जब गान जैसा बूम बूम साहब वाजिद भाई ने चालू नहीं किया, तो कल हम लोगों ने ऐसे ही कहा कि दो चार बच्चे अगर आना चाहिए तो आ जाओ, दो चार के 50 बच्चे आ गए स्टेज पर। इट वॉज सो ऑकवर्ड फॉर देम, उनके खुद के लिए कि उनको कैसे संभालें, एंड दे नॉट गोइंग बैक। एंड द किड्स यू नो फ्रॉम 3 years टू 15-20 years, इट्स नॉट कि इट्स फैंटास्टिक, लवली। वाजिद भाई, ये तो क्रेडिट साजिद वाजिद को दूं या संजय गढ़वी एंड साजिद वाजिद, किसको दूं? टीम को ही जाता है, बिकॉज कौन भाई, चक्कर क्या होता है कि व्हेनेवर वी सेलेक्ट अ सॉन्ग, आई थिंक इट डिपेंड्स कि टीम कितनी ना अकोमोडेटिंग है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, अगर आप एकदम रिजिड हो जाओ कि नहीं ये नहीं, मुझे यही चाहिए। और अच्छे गाने के लिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सिचुएशन में हमेशा अच्छा गाना नहीं बन सकता। करेक्ट। तो हम गाना बनाते हैं, कभी कभी तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी उस अंदाज में आ जाना पड़ता है। जैसे अभी बूम बूम की बात है, यूजुअली हम जब फिल्म शुरू कर रहे थे तो हमने एक फैमिली फिल्म है बहुत अच्छी, लेकिन राजवीर का जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा है, तो उस चीज को नजर में रखते हुए वी मेड दिस ट्रैक एंड दिस चांट, बूम 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 चांट जो है, ये हमने बाकायदा तैयार करी फॉर जैकी, सो दैट कि एक ऐसा होता है, इट्स लाइक अ वेरी सिंपल टू रिमेंबर, बच्चों के मुंह पे बहुत जल्दी चढ़ जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं होती, एट द सेम टाइम उसका जो बैकड्रॉप है रिदम का, इट्स वेरी इंटरनेशनल। वाशु जी, मुझे ये बताइए, ये अजब गजब लव बॉर्न कैसे हुई? संजय गढ़वी कहानी लेकर आपके पास आए, आप संजय गढ़वी के पास गए, मतलब किस तरह का ये प्रोजेक्ट जन्मा कैसे? संजय जी को तो मैं वैसे 10-12 साल से जानता था, और बहुत कोशिश भी कर रहा था बीच में फिल्म कंप्लीट, बट इनकी 2-3 कमिटमेंट थी ESG से, तो पूरी नहीं हो पा रही थी। एक मेरे पास ये आइडिया थी बहुत अच्छी, बेसिकली आइडिया मतलब शुरुआत आपकी थी। तो संजय जी के पास भी एक दो बहुत अच्छे अभी भी स्क्रिप्ट है, बट संजय जी ने जैसे ये वन लाइन सुना तो बोला वाशु इसको मैं ऐसे ऐसे करके बनाऊंगा और ये ऐसा निकलेगा, तो इनका वो कहना ऐसा था, बट हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे, जस्ट टॉकिंग, एक्चुअली पिक्चर नहीं बनाने के लिए बुलाया था, बट ही वॉज इन टू सच अ वे कि मुझे लगा ये तो बना दिया पिक्चर उन्होंने। हम लोग 1-2 घंटा बैठे थे, इन्होंने, इनको भी नहीं पता था हम इनको साइन कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता था ये मेरे डायरेक्टर बनने वाले हैं। एक होता ना कि इतने सालों से बातें करते आ रहे, तो वी जस्ट टॉक अबाउट द मूवी, तो इन्होंने इतना अच्छा आपसे प्रेजेंट कर दिया, और मतलब आगे बताइए ना कितना लेंगे, क्या लेंगे, कब से चालू करेंगे, इसमें जैकी होगा, कैसे होगा, एंड वी स्टार्टेड द मूवी। ओह माय गॉड, मतलब बात ऐसे ही बन गई। अब एब्सोल्युटली, अब कहानी, द थिंग वाज व्हाट ना कोमल, तक जो स्टोरी उन्होंने सुनाई मुझे, जो वन सिंपल लाइन जो स्टोरी है, दैट इज समथिंग दैट यू नो, जब कोई कहां से आपको आइडिया सुनने को मिलता है एंड यू इमीडिएटली फील दैट व्हाई डिडंट आई थिंक ऑफ दिस। एक्चुअली हिंदी फिल्म्स आई थिंक इज द सेम ओल्ड स्टोरीज एंड रीपैकेज, एक या दो नए ट्विस्ट आ जाए तो वो नया बन जाती है। सो दैट इज द थिंग, सो दैट मेड मी रियली स्टैंड अप एंड से दैट दिस इज द फिल्म आई वांट टू डायरेक्ट, यू नो, सो इट वाज ऑन द स्पॉट डिसीजन एक्चुअली। फालतू, और इस फिल्म में काफी समय हो गया था, ऐसा क्यों फालतू चली? फालतू का गाना इतना चला, जैकी भी एक्सेप्ट हो गया, फिर जैकी को किसी आउटसाइड बैनर ने अभी तक साइन क्यों नहीं किया? नहीं, वो तो मैंने मना किया था, किसी को करने में नहीं दूंगा मैं, 2013 के बाद ही करने दूंगा बाहर। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि एक बार क्या होता है लाइफ सेट, क्योंकि जैकी के जो भी जिस जिस टाइप की हमको पिक्चर सोचनी है, जैकी को सोचनी है, हम अपने टाइप की पहले बना के
दिल खुश कर ले. अच्छा, फिर क्या होता है, देन ही एक स्टेज पे आ जाएगा, देन यू नो ही कैन कमांड डिमांड, और सामने वाला भी वैसे बनाएगा. मेरे को ऐसी कोई पिक्चर नहीं बनानी थी, क्योंकि उसका एक करियर भी है एज अ फादर, एज अ प्रोड्यूसर. अगर मेरे पास प्रोडक्शन कंपनी है और मुझे लग रहा है कि ही जो बाकी हीरो कर सकते हैं ये भी कर सकता है, तो व्हाई विल आई गिव चांस टू समबडी एल्स. संजय जी, आपको भी इस फिल्म से जुड़ने के लिए काफी समय लग गया, देयर वाज अ बिग गैप व्हेन यू डिड नॉट मेक फिल्म्स, तो इस बीच आप क्या कहानियां लिख रहे थे कि क्यों? या नो, देयर वाज अ फिल्म दैट मैं एक प्रोडक्शन हाउस के साथ साइन अप हुआ था, उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन वी हैड टू गो थ्रू ऑल दैट. एंड जब मैं अभी व्हेन आई लुक बैक एट इट, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा पीरियड था. आई गॉट अ चांस टू स्टे बैक, लुक स्टॉप एंड लुक एट एवरीथिंग, असेस एवरीथिंग. एक होता है, एंड आई कीप बिलीविंग दैट फिल्म डायरेक्टर्स स्पेशली आर लाइक अ स्पंज, यू नो. तो ये आई थिंक जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने स्पंज को फिर से जाके थोड़ा सा पानी में डुबाऊं, और आई वॉज एबल टू गिव, यू नो. मुझे बहुत शौक था कि मैं एक ऑल आउट कॉमेडी बनाऊं, तो इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड अ गुड स्क्रिप्ट, यू नो. एंड मगर उस दरमियान जब आप फिल्में नहीं बना रहे थे, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आई और यू वर क्वाइट श्योर? देखिए, जब मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम छोड़ दिया था 1994, और मेरी पहली फिल्म तेरे लिए 2001 में रिलीज हुई, तो वो 7 years का पीरियड भी काफी मुश्किल था. इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रगल नहीं था, लेकिन एक मेंटल स्ट्रगल होता है. तब भी मैं एक ही बात सोचता था कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, there's no if, it's only when. So even now, when in the waiting period, it's not about if or whether, it's just about when, you know. And a director is only looking for one thing, he's looking for a producer who has trust and confidence in him. That's all I'm looking for, and that's all I'm able to give to a producer, that have trust and faith in me. I will treat you like a client. Mujhe saaf saaf bataye ki aap का एजेंडा क्या है, आपको क्या चाहिए, किस टाइप की पोजीशनिंग है, क्योंकि आई एम हियर टू मेक ए कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म फॉर द प्रोड्यूसर. सो इट्स ऑलवेज माय एम, यू नो, आई बिलीव इन पॉपुलर सिनेमा, एंड जैसे ही चांस मिलता है मैं करता हूं. तो ये मुझे जरा सा समय मिल गया था स्पंज को सोक करने का, एंड वो सारा मैंने अजब गजब लव में डाला. सारा मत बोलिए, नहीं तो फिर वापस ब्रेक लेना पड़ेगा. नहीं, फिर ना, नाउ आई कैन, आई नो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. ना, वाशु जी, वाशु जी रियलाइज कर दिया कि अच्छा इसका स्पंज को भरना है, तो वो बीच के एक महीने के गैप में भर देंगे. ऑलरेडी उनका कंप्यूटर चल रहा है. निधि सुबैया को कैसे सिलेक्ट किया? मयूर और मैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम लोग स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, एंड वी वर लॉक्ड अप इन अ होटल समवेयर, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू वर्क. एंड वन फाइन डे वाशु जी सेड दैट हम लोग थोड़े से सीन सुनने आ रहे, तो ऐसे वाशु जी अभी टाइम है, कल आइए परसों आइए. तो ही एंड जैकी लैंडेड अप देयर, एंड डिस्कशन हुआ, कुछ सीन सुने, एंड देन ही सेड चलो अभी ऑडिशन लेना, एक लड़की है, हीरोइन है. अच्छा, और अच्छा. कल सुबह जा रही है वो किसी फिल्म के आउटडोर के लिए या कुछ ऐसे आउट ऑफ इंडिया जा रही है, तो अभी करना है. तो आई सेड अभी करना है, तो ही सेड हाँ. सीरियस है आप? बोला हाँ सीरियस है. एंड वी वेंट बैंड्रा टू हिज हाउस, एंड देयर वाज अ गर्ल देयर वेटिंग, निधि सुबैया, इंट्रोड्यूस मी. आई सेड अभी ऑडिशन लेना है, स्क्रीन टेस्ट लेना है, क्या बुलवाओ मैं, क्या सीन नहीं है पिक्चर का, क्या कैसे कराऊ. तो वी डिड अ चैट, मॉक चैट शो, एंड शी वाज द होस्ट, एंड जैकी केम ऑन एज अ गेस्ट, एंड आई वांटेड टू सी हर विट एंड इम्प्रॉम्प्टू एंड इम्प्रोवाइजिंग, एंड काफी अच्छा किया. फिर एक गाना बजा दिया कोई पुराना हिट, यू नो, एंड वी मेड देम सी द केमिस्ट्री एंड ऑल द स्टफ. And then he asked me, क्या लग रहा है? तो I said, she's got great screen presence, she's got experience. I think it's, she fits the role of my girl, Madhuri. The character's name is Madhuri Singh, Maddie. तो बाकी every other aspect of it आपको देखना है. मैं as a director सिर्फ suitability देखूंगा. It's, they look good together, she's suiting the role. So that's how Nidhi Subbaiah was in the film. Damn good. और आपने Nidhi Subbaiah का नाम, मतलब आपने साउथ फिल्म में उनकी देखी थी? हाँ, साउथ में देखी हुई थी मैं. हम लोग फिल्म चालू करनी थी ना, वी वर ऑन द रो कि सबसे बात करें कोई अच्छी लड़की है कि नहीं, बिकॉज रेगुलर हमें फिल्म ये कंप्लीट करनी 2-3 महीने में, तो किसी भी स्टैब्लिश लड़की को लेते तो डेटों का प्रॉब्लम आता है, प्लस वे होते भी नहीं, रिलीज भी नहीं हो पाती पिक्चर. तो इसलिए हमारे माइंड में था कि वी वॉन्ट सम न्यू फेस. तो हमने इसके पहले भी 5-7 लड़कियां देखी, बट ये नसीब की बात है, अगेन हुआ, और एक दिन में हुआ, सुबह फाइनल हुआ, शाम को ओके, और रात को साइन किया, लड़की चले भी गई, आई, शूटिंग चालू किया, पिक्चर खत्म. आप लोग जब म्यूजिक बनाते हैं, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि किस पर फिल्माया जाएगा ये गाना, अकॉर्डिंगली थोड़ी ट्यून्स को ट्वीक करना पड़ता है? जब पता हो तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज और अगर जिसके लिए काम कर रहे उसके बारे में पता हो, इफ यू नो हिम पर्सनली और हर, सो इट रियली मैटर्स, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इनकॉर्पोरेट हो जाती है, यू नो, अननोइंगली भी हो जाती है, अननोइंगली भी हो जाती है. एज आई ऑलवेज से जैकी की केस में, बिकॉज फर्स्ट फिल्म हमने करी थी कल किसने देखा है, तो हम लोग उसको बोलते थे भाई ये वो चाबी का गुड्डा नहीं होता है क्या, चाबी घुमाओ, खड़े कर दो, कहीं भी नाचना चालू कर दे ये करके.
तो मैं उनके जो डायरेक्टर थे विवेक शर्मा, उसको मेरा भाई क्या हीरो पकड़ा यार, ये तो बिना म्यूजिक के नाचना चालू कर देता है। तो मस्ती करते करते, अच्छा उस टाइम जैकी फर्स्ट फिल्म थी तो एक्साइटमेंट भी बहुत था, तो आके ये वाजिद भाई ऐसा करते हैं, वाजिद भाई ऐसा करते हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ करना उसमें भी बहुत अच्छा रहा था हमारा। तो ये सब चीज़ें दिमाग में थी, मैंने बोला यार इसके साथ जब भी करेंगे ना तो एक डांस का गाना बहुत अच्छा करना चाहिए, उसके अंदर है। और इत्तेफाक ये भी रहा कि हम लोग कल किसने देखा कि प्रमोशन के लिए जब दुबई गए थे, सो गाड़ी में हम लोग घूमते घूमते, सो आई मेड वन सॉन्ग कॉल्ड टू, जो अजब गजब लव में। अच्छा जी, तो वो गाना जब हमने बनाया तो मैं ग्रूव सेट कर रहा था, बना रहा था, तो मैंने बोला जैकी, तो जैकी लव दैट सॉन्ग, बोले वाजिद भाई इट्स लाइक साउंडिंग रियली गुड, है वेरी कूल, बोले इसके ऊपर कितने आइडियाज आ सकते हैं जब कितनी स्लो टेम्पो है, तो मैंने चल ये गाना तेरे लिए दिया। तो जैसा आप पहले भी कह रहे थे, एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस वेरी इजीली फॉर दिस फिल्म, तो ये डेस्टिनी की का बच्चा है ये फिल्म। बिल्कुल, तो डेस्टिनी का बच्चा है। जैसे अर्जुन के पास भी गए तो उसको जैसे एक लाइन ही सुना, बोला फैंटास्टिक। दर्शन जी के पास गए, अर्शद के पास गए, हम लोग घर पे विद इन 10 मिनट्स, मानो दो घंटे भी जरूरत नहीं पड़ा, मतलब किसी के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। संजय जी को पहली बार ढूंढने में और बुलाने में मेहनत हुआ, इसके अलावा मुझे लगता किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ी। रियली अभी को इनके साथ ही जो ज्यादा समय लगा एक दो घंटे तक, बाकी सब मिनट्स में हुए। सी द थिंग इज व्हाट ना कोमल, द वन लाइन, एक कोई भी एनी पर्सन हु हैज गॉट ए सेंस ऑफ स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले फॉर हिंदी फिल्म, you have to hear that one line and then you hear me saying ki is baat mein, is kahani mein ye jo hai iska muscle hai, iska main taakat hai iski. Obviously you would not like to reveal that one line in this on the show, or you wouldn't mind? No of course, ek ameer ladka hai, puri family ameer hai, it's in the top 50-100 business houses of the country, super rich, we shown a big nice suraj bajatia kind of family, and us ladke ko pyar ho jata hai ek ladki se, and he figures out that use ameeron se nafrat hai. तो ही स्टार्ट्स टू प्रिटेंड टू बी एक गरीब की होने की एक्टिंग करता है वो। एक पॉइंट आता है जब लड़की को उसको बताना पड़ता है कि मेरी फैमिली में और कौन कौन है क्या क्या है, तो हिज रेफरेंस ऑफ इट इज ओनली हिंदी फिल्म्स। तो मेरे पिताजी मिल में काम किया करते थे, अब मिल से मॉल बन गया, नौकरी चली गई, माँ ने कपड़े सीकर हमको बड़ा किया, अंधी हो गई, मेरा भाई है बड़ा भाई वो टैक्सी चलाता है, शराब पीता है, जुए में का पैसा हार जाता है, भाभी मेरा बर्तन मांजती है, सो ऑल दो स्टोरीज ही क्रिएट, एंड देन लड़की बोलती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना है। ओह माय गॉड, यहां तक इज नाइस हिंदी कमर्शियल। अब यहाँ पे 70s और 80s में अगर ये फिल्म होती तो हीरो एक किसी अपने दोस्त के पास जाता जो फिल्मी कांटेक्ट हो और पूरी भाड़े की फैमिली और फुल सेटअप फेक कर देता। यहाँ पे ही गोज टू हिज ओन फैमिली, दैट इज द यूएसपी ऑफ द फिल्म। ओह, एंड ही टेक्स देम इनटू कॉन्फिडेंस। यस, ही गेट्स, शी इज वेरी क्लेवरली डन, वन एक आदमी को छोड़ के इट्स वेरी क्लेवरली डन कि वो थोड़ा सा पकड़ा जाता है, थोड़ा सा वो अपने आप डिसाइड करता है, एंड मजबूर करता है, कन्विंस करता है, परसुएट करता है, बदमाशी से करता है, क्लेवरली करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है, बट ही गेट्स द फैमिली टू अग्री। पूरी एक अमीर फैमिली को गरीब होने का एक्टिंग करना होगा, एंड इट्स नॉट इजी। उसने बोल दिया कि मैं पेट्रोल पंप पे जॉब करता हूं, तो ही हैज टू गो एंड गेट अ जॉब नाउ, ही हैज टू पे दैट पेट्रोल पंप मैनेजर टू गेट अ जॉब, एंड नाउ ही इज अबाउट वहां पे पेट्रोल भरने का काम कर रहा है कि लड़की आएगी मुझे मिलने के लिए, मम्मी डैडी गाड़ी में आ गए। फिर जब बोला कि मैं संडे को मैं घर पे मिलने आऊंगी, तो ही हैज टू गो टू अ झोपड़पट्टी भाड़े पे लेके, ही हैज टू आस्क दोस पीपल के आप लोग दो घंटे के लिए घूमने जाइए, ये ले लीजिए पैसा, एंड पूरा उनका घर खाली करता है, टेक ओवर करते हैं। सो दे आर कंप्लेनिंग की एसी नहीं है, दिस दैट, सो वो पूरा जो ह्यूमर आ रहा है ना कॉमेडी का बिगेस्ट पॉइंट इज के उसका जन्म कहां से होता है, किस चीज से होता है, दैट इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ, क्योंकि अगर वो जन्म ठीक नहीं हुआ तो देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक द ऑडियंस लाफ। तो केले के छिलके पर फिसल के गिरने वाली बात होगी। इट्स अ वेरी वेरी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट आई फेल्ट के ये तो मेरे नाक के नीचे थी, इट वाज राइट अंडर माय नोज, सच अ ब्यूटीफुल आई थिंक अबाउट आईडिया, एंड देन इट गोस टू द इंटरवल पॉइंट, एंड द इंटरवल पॉइंट इज अ नाइस पंच व्हिच आई विल नॉट रिवील नाउ ऑब्वियसली, एंड देन द होल स्टोरी मूव्स इन द बैक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द गर्ल साइड, सो it's a rip roaring roller coaster ride, but only it's not got any action, it's got twists and turns of a thriller, but in a comedy way. Vashu ji, aakhri sawal, ab aapne aapke interests bada diye hain, diversify bhi ho gaye hain, construction line mein aa gaye hain, mujhe ye boliye construction of buildings aur film making mein koi samanta hai? Same hai mujhe lagta hai, in the sense wahan director sign karna padta hai,
यहाँ पे और वहां पे आर्किटेक्ट साइन करना पड़ता है, यहाँ स्क्रिप्ट का प्लॉट लेना पड़ता है, वहां जेन्युइन प्लॉट लेना पड़ता है जिसपे अच्छी बिल्डिंग बनेगी। क्या बात है। जैसे यहाँ म्यूजिक लेना पड़ता है तो वहां अच्छी फिनिशिंग लेनी पड़ती है, यू नो इट्स एब्सोल्युटली सेम। जैसे यहाँ छह मेन की पर्सन है, वहां भी छह मेन की पर्सन है। ये भी एक लाइफ लॉन्ग नेगेटिव है, वो भी एक नेगेटिव है। मतलब ये प्लॉट है, बिल्डिंग और ये नेगेटिव है, तो बेसिकली दोनों की वैल्यू सेम है, एग्जैक्टली सेम। अकॉर्डिंग बिकॉज मैंने दोनों में काम किया ना, तो दोनों में माइंडसेट भी सेम है। वहां भी जो आर्किटेक्ट होता है वो पूरा क्रिएटिव होता है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी डायरेक्टर पूरा क्रिएटिव होता है, स्टोरी टेलर वहां भी होते हैं, लाइक भी जैसे प्लानिंग पास होता है, प्लानिंग बनते हैं जिस तरह से, एब्सोल्युटली सेम। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो आप अपना टाइम मतलब किस तरीके से डिवाइड करते हैं? 80% 20% 20% सिंपल कोमल, 24 आवर्स इन अ डे ऑन कंस्ट्रक्शन एंड 24 आवर्स इन अ डे ऑन फिल्मिंग। दैट्स वाशु बुलेट ट्रेन भगनानी, योर न्यू नेम फॉर इट, इट जस्ट गोस एट द स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन। वाशु जी, यस, होपिंग दैट आपकी बुलेट ट्रेन कहीं नहीं रुके, एंड विद दिस बुलेट ट्रेन यू ऑल एक्चुअली move on to greater glories. Thank you so much for being here. Thank you. So दोस्तों, ये थे वाशु भगनानी, संजय गढ़वी और साजिद वाजिद के वाजिद भाई।